समोसा, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, कचौरी, जलेबी, आइसक्रीम। पानी आ गया ना मुंह में सुनकर। इन जैसी चीजें आपको वेट गेन करने में जरूर हेल्प करेगी, लेकिन सेम टाइम आपकी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय करेगी। और अगर आप इन जैसी चीजें खाकर वेट गेन भी कर लेते हो तो साथ ही साथ बहुत सारा बेली फैट भी जमा कर लोगे आपके बेली पर। आई एम रोहित चिखले, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइंस, और इस वीडियो में मैं आपके साथ चार ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जिससे कि आप एक हेल्दी वे से अच्छा वेट गेन कर सकोगे। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छा सही तरीके से अच्छी अमाउंट में वेट गेन कर सको। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको ज्यादा कैलोरी इंटेक करना है जितने की आपकी बॉडी बर्न करती है। मतलब कि आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज डेली बर्न करती है उससे आपको ज्यादा कैलोरी इंटेक करना है। तो अगर आपकी बॉडी 1500 कैलोरी डेली बर्न कर रही है तो आपको उससे ज्यादा कैलोरी इंटेक रखना पड़ेगा, तभी आपका वेट गेन हो सकेगा। और अगर आपके पास टाइम पीरियड अवेलेबल है, आपको आपका गोल एक धीरे धीरे अचीव करना है, या फिर आप शॉर्ट पीरियड में अचीव नहीं करना, तो फिर आप डेली 300 से 500 कैलोरी ज्यादा खाकर अपना वेट धीरे धीरे गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आपका वेट जल्दी गेन करना है, आपके पास आपका गोल अचीव करने के लिए शॉर्ट पीरियड है, तो फिर आपको डेली 700 से 1000 कैलोरी ज्यादा खाकर, ज्यादा कैलोरी इंटेक कर आप अपना वेट जल्दी अचीव कर सकते हो, वेट गेनिंग जल्दी अचीव कर पाओगे। हाँ, लेकिन सुनने में इतना आसान लग रहा है कि 1000 या 700 कैलोरी इंटेक कर हम हमारा वेट गेन कर लोगे, गेन कर पाएंगे, वो इतना आसान नहीं बट इम्पॉसिबल भी नहीं। अभी सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि ईट मोर प्रोटीन। बहुत सारे लोग जब गेनिंग करते हैं तब प्रोटीन पे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन मसल गेन करते वक्त या फिर वेट गेन करते वक्त, एक हेल्दी अमाउंट में वेट गेन करते वक्त आपको अच्छी अमाउंट में प्रोटीन लेना भी जरूरी है। और प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वेट गेनिंग के वक्त, क्योंकि जब हम बहुत सी स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जब हम गेनिंग करते हैं, जब हम प्रोटीन लेते हैं, जो भी एक्सेस प्रोटीन बचता है हमारे बॉडी में, वो जो कैलोरी बचती है उस प्रोटीन की, वो सीधा टर्न होती है हमारे मसल बिल्डिंग में यूज हो जाती है, वो सीधा टर्न होती है मसल्स में। तो प्लीज अगर आपको वेट गेन करना है तो एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन लीजिए। आप कितना प्रोटीन ले सकते हो? आप 1.2 ग्राम या फिर 2.2 ग्राम आपके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको अगर 2 ग्राम पकड़ लेते हो आप प्रोटीन, तो आपको 140 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। अभी हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि आप एक अच्छी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों चीजों को अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इसलिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। तो हम जब भी कार्ब लेते हैं तब हमारी बॉडी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देती है कार्ब को एनर्जी के सोर्स में यूटिलाइज करने के लिए। और फैट इसलिए कि फैट, अभी फैट दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना, अनहेल्दी अनहेल्दी नहीं, फैट दो तरह के होते हैं, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी। तो आपको हेल्दी फैट कंज्यूम करना है। फैट आपको दो तरह से हेल्प करेगी, आपके जो इंटरनल फंक्शन है उसमें भी फैट बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, एंड सेकेंड फैट जो है उनका जो कैलोरी काउंट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कि प्रोटीन और कार्ब, इनका कैलोरी काउंट अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हो या फिर 1 ग्राम कार्ब लेते हो तो आपको उसमें 4 कैलोरी मिलेगा, और वही उसी जगह पर अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हो तो आपको 9 कैलोरीज मिलेंगी, वो भी हेल्दी वाली। तो ये आपको हेल्प करेगा आपका कैलोरी इंटेक इंक्रीज करने में। अगर आप प्रोटीन कार्ब फैट इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर लोगे तो आप अपना वेट अच्छी तरह से गेन भी कर सकोगे। तो अभी कार्ब का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? राइस, चपाती, होल व्हीट ब्रेड वगैरह हो गए, या फिर ओट्स या फिर फ्रूट्स, ये कार्ब का एक अच्छा सोर्स है। और हेल्दी फैट का सोर्स क्या है? नट्स, डेयरी प्रोडक्ट और एक योल्क, मतलब कि होल एग अगर आप लेते हो तो वो भी एक अच्छा फैट का सोर्स है, और वो आपको बहुत सारे उसमें मिनरल्स वगैरह विटामिन भी मिल जाएंगे। अभी हमारा लास्ट और फोर्थ पॉइंट आता है कि
हमको अगर वेट गेन करना है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको हेवी ट्रेन करना है, आपको आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, और साथ ही साथ आपको ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ये क्यों? मैं अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको हेवी ट्रेन करना पड़ेगा। हेवी ट्रेन मतलब कि जितना आप उठा सकते हो, जितना आप लोड ले सकते हो उतना ही। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना, ईगो लिफ्टिंग अलग बात है। अगर आप हेवी ट्रेन करते हो तो आपके मसल्स पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड आएगा और इससे आपके मसल बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। सेकेंड, अगर आप आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर लेते हो तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा वेट भी उठा सकते हो, अच्छी तरह से रेप रेंजेस भी हिट कर सकते हो, तो ये भी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और कंपाउंड एक्सरसाइज क्यों? बहुत सारी वीडियोस में मैं बोल चुका हूँ पहले भी मेरे कि कंपाउंड एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू अचीव योर मसल, और अगर आपको आपके मसल और आपको आपका वेट गेन करना है तो सबसे बेस्ट वे आपको आपको कंपाउंड एक्सरसाइज हिट करनी पड़ेगी। क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज अगर आप हिट करते हो तो उसमें मल्टीपल जॉइंट्स और मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी वजह से आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं, और इन दोनों हार्मोन्स का रोल आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा मसल ग्रोथ। तो अगर आप ये चार चीजें फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी तरह से एक वेट गेन कर सकोगे, और साथ ही साथ मसल भी, और मिनिमम बेली फैट के साथ। तो प्लीज लोगों की राय मत सुना करो कि मुझे वेट गेन करना है तो मैं कुछ भी उठपटांग खा के वेट गेन कर लूं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये चार टिप्स फॉलो करो और अच्छे तरह से एक अच्छी अमाउंट में वेट गेन करो और हेल्दी वेट गेन करो। सो बाय बाय, टेक केयर।